गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर पर। सुबह का 6:30 है और हमने अपना घर छोड़ दिया है और ये हम निकल पड़े हैं एक शानदार सफर पर। और सबसे पहले हम पहुंचेंगे दिल्ली, बच्चों से मिलेंगे, उनको थोड़े गिफ्ट्स देंगे, उनसे थोड़े गिफ्ट्स लेंगे और फिर मस्ती करते हुए हम बढ़ेंगे अपने गंतव्य की ओर, यानी कि वैष्णो माता। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। और ये कालरा साहब जो अपना नाश्ते में व्यस्त हैं। राम राम भाई, हो सुबह सुबह का टाइम है भैया, गैस बन रही थी तो मैंने लाओ एक सैंडविच खा लूं। और कभी रोहित की गाड़ी भी हमारे आगे पीछे कहीं है, उनसे भी मिलना है और चाय लेके आना केटल में, तो दो सिप चाय की उनसे लेंगे और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉक में। अभी झुमका चौराया आ गया है, ये देखिए शानदार, यानी कि अब हमने बरेली की सीमा को छोड़ दिया। झुमका चौराहा, मशहूर बरेली का झुमका, इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सामने चले आ रहे हैं हमारे की। यहाँ पे आप खड़ा हो गए बड़े भाई। एक पुल से दूसरा पुल, दूसरे पुल से तीसरा, और शानदार रोड बढ़ते जा रहे हैं हम आगे की तरफ। और ये है हमारे साथ हमारे भाई भाभी और उनका बेटा। ये इन्होंने नाश्ते के समय नाश्ता करा नहीं, जब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा तब इनका मूड नहीं था, और अब ये रखा हुआ पराठा खा रहे हैं जो कि इन्हें बड़ा आनंद दे रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाय बोलिए अक्स। हाय। अब देखिए ये हम लोग एंजॉय करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। पहली बार गर्मी में हमने ये चुना है घूमने के लिए, इससे पहले हम कभी गर्मियों में नहीं आए हैं। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है और आपसे शेयर करते हैं। पठानकोट छोड़ दिया हमने, पठानकोट से हम आगे निकल आए हैं और अब हमारा आगे जम्मू की तरफ है रुख, और जम्मू की तरफ हम बढ़ गए हैं। पठानकोट को हमने पीछे छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है, वेदर तो बहुत अच्छा दिखा रहा था बट ऐसा कुछ
हमने अभी तक देखा नहीं है अपने सफर में। ये हम अब ब्रिज पर चढ़ गए हैं और पठानकोट से आगे हेलीकॉप्टर भी जा रहा है और ये हम ब्रिज पर ऊपर आ गए हैं। ब्यास नदी हमने पीछे छोड़ दी और ये देखिए शानदार ब्रिज पर ट्रेन वो देखो मालगाड़ी रेलगाड़ी इधर से हमारे पठानकोट रेलवे स्टेशन चक्की में और हैप्पी जर्नी विश कर रहे हैं। हम आगे आ गए हैं, जम्मू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप सड़क किनारे के नजारे पहले जब जालंधर आते थे ट्रेन से तो पानी की टंकी में फुटबॉल बैलगाड़ी हवाई जहाज आज दिखे ही नहीं सारे के सारे गए वो तो आज हम लोग यानी मान सरकार आई तो उसने सब हटा दिया। तो आप उधर मिलते होंगे ना रेलवे स्टेशन की तरफ से इधर नहीं पूरे जालंधर में लोगों का पहले की टंकी स्टेशन एक पानी की टंकी देख के पहचान हो जाता था अरे जालंधर आ रहे हैं। तो अब चेंज हो गया सब कुछ, समय के संग संग पानी की टंकियां भी बदल गई हैं और एक पुल से उतरते हम दूसरे पुल पर चढ़ दिए स्टेशन के पैरेलल। यहां चढ़ गए हम स्टेशन के पैरेलल। ये देखिए लखनपुर आएगा, लखनपुर से हम लोग एक सिम लेंगे क्योंकि अब यहाँ से ये हमारे सिम काम करना बंद कर देंगे और सिम लेने के लिए वहाँ पे हमें अपने ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आधार कार्ड से सिम नहीं मिलता है तो ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास एक है, एक रोहित के पास, दोनों के पास एक एक सिम हो जाएगा गाड़ी में। और बाकी नेट अगर किसी को चलाना तो हॉट स्पॉट से चला सकते हैं। तो फिलहाल एक कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक आधार होगा, वो अभी लखनपुर जब आएगा तो लखनपुर के पास जो शॉप्स होती हैं शायद जो वेंडर्स होते हैं उनसे हम सिम ले सकते हैं। ये पीला तरबूज है 80 रुपए किलो, ये लोकल देसी तरबूज 15 रुपए, ये चित्तीदार इसे क्या कहते हैं अशरफी 40 रुपए, और ये जापानी है ये भी 40 रुपए, ये हरा तरबूज पठानकोटी ये 40 रुपए, और वो सामने खरबूजा है 100 रुपए के 3 किलो, ये भी 40 रुपए। गोल गोल तरबूज रखे हैं अंडे जैसे और इसके बीज सफ़ेद हैं और इसके बीज काले हैं। हम लोग ने पठानकोट से 2 तरबूज और 2 खरबूजे लिए, अभी रास्ते में किसी नदी के पानी में डूबेंगे, इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके काट के खाएंगे। आइए तरबूज ले लिए हैं और अपने मन के लिए हैं, मैंने मेरे कहने के बाद भी छोटे छोटे तरबूज लिए हैं, देखते हैं क्या निकलता है इनमें और आपको बताते हैं। अगर अच्छे नहीं निकले तो डांट पड़ना शर्त यह तय है कि डांट तो खानी ही खानी है, तभी आनंद आएगा तरबूज का। ले लिया। आगे देखिए ये मूढ़े भी मिल रहे हैं, ये देखिए बने हुए, आप यहाँ पे भी पता कर सकते हैं क्या रेट है क्या नहीं। लेकिन गाड़ी में जगह नहीं होती किसी की, गाड़ियों में जगह तो होती नहीं है रखने के लिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर तभी नदी के ऊपर से हम निकल कर जम्मू में एंटर कर चुके हैं, जम्मू की तरफ एंटर कर चुके हैं। ये जम्मू यहाँ से 40 किलोमीटर है। आपको बताया था हमने पहले भी कि साथ में हम दो गाड़ियों में आए हैं और हमारी से
सिस्टर भी हैं साथ में, छोटी सिस्टर है हमारी, और वहाँ हमारा फोन जो था काम करना बंद कर चुका था, तो उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे हम, और इस वजह से एक घंटा वहाँ हमारा ख़राब हो गया। और आते आते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई हम लोग, सूरज एकदम सर पर आ चुका है, और अब आप देख रहे हैं ये रास्ता वेदर इस समय बहुत ही गर्म है, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत शानदार नहीं है अभी तक, लग यही रहा है कि हम आगे बहुत परेशान होने वाले हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जबकि वेदर हमें दिखा रहा था कि कुछ पार्टली क्लाउडी और थोड़ा रेनफॉल भी दिखा रहा था, बट ऐसा कुछ चीज़ है नहीं यहाँ। क्या म्यूजिक है, मनु अपनी स्टेरिंग छोड़ के डांस कर रहे हैं और बस का इतना शानदार म्यूजिक है कि अब आप बताइए हम लोग ठीक ठाक पहुंच जाएं कि नहीं। अरे फिर से बजाओ फिर से। और इस तरीके से एंजॉय करते हुए हम बढ़ रहे हैं कटरा की तरफ। वेदर थोड़ा सा फर्क हुआ है, थोड़ा सा क्लाउडी हो गया। हाँ थोड़ा सा कोई खास नहीं, थोड़ा थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है कहीं कहीं, मौसम में अब ठंडक आ गई है, गर्मी नहीं है, और गर्मी कम हुई है थोड़ी सी वेदर में, और हम अपने सफर पे चलते जा रहे हैं क्योंकि दूसरी गाड़ी हमारी नहीं पता चल रही कहाँ है, तो हम चाय पीने के लिए भी नहीं रुक पा रहे हैं, कटरा पहुंच कर ही देखते हैं क्या होता है, हमारा आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग पहुंच चुके होंगे और हम लोग अभी तक सफर में हैं, जरूर शानदार होगी बट कहीं कहीं अभी भी यहाँ पर रोड जो है वो बन रही है तो रास्ते थोड़े से ट्रैफिक में अभी जो श्रीनगर का काम हो रहा है जिसमें काफी काम हो चुका है, हम लोग पिछली बार श्रीनगर गए थे तब भी उन्होंने देखा था तमाम जेसीबी हर 400 मीटर 500 मीटर में जेसीबी काम कर रही थी, तो वहाँ की रोड बड़ी शानदार बन रही है, हालांकि तब तो हमको थोड़ी सी परेशानी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से रोड बनती जा रही लग रहा है कि 4 घंटे में हम लोग बड़े आराम से श्रीनगर भी कर सकते हैं, अभी रास्ते में भी ओवर ब्रिज दिख रहे थे उस पर भी काम चल रहा था, काफी काम हो रहा है रास्ते में, तो आई होप कि साल दो साल के बाद ये सब कुछ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अभी इतना हम टोल प्लाजा पर आ गए हैं, निकल गए यहाँ से, आपने देखा होगा मिनट नहीं लगा, मिनट क्या सेकंड्स लगे मुश्किल से, और अभी इससे पहले हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि हमारा फास्टैग काम नहीं कर रहा था, और उसकी वजह से भी हमने बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, फिर हमने रास्ते में रुक कर चेंज करवाया उसको, और तब से थोड़ी दिक्कतें कम हैं और आराम से हम निकल पा रहे हैं, उसकी वजह से भी लेट हो रहे थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रास्ते में आई, मनु ने भी बहुत परेशान करा, गाड़ी जो है आज बहुत दूर से नहीं चला रहे थे, बहुत आराम से चला रहे थे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, फिलहाल तो डबल लेन दिख रही है, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, और उधर की रोड उधर है, इधर की रोड इधर है, और 60-65 पे गाड़ी बड़ी इजीली चल रही है, लोग तो 80-85 भी चला रहे हैं, लेकिन वही थोड़ा सा गड़बड़ रहती है, बहुत तेज चलाना है इसलिए हल्की चल रहा है, हालांकि लिखा भी हर जगह धीरे चले लेकिन सुनता कोई नहीं है, तो अभी जो है पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ आ गई हैं, मौसम में भी ठंडक सी आ गई है, मुझे कीनू भी खाना, कीनू या संतरा वो भी खाना है, लेकिन काफ़ी देर से मैं देखता आ रहा हूँ जलंधर से कहीं मिला नहीं, तो तरबूज मिले थे मैंने आपको बताई दिए तरबूज के बारे में, तरबूज तो अभी हम लोग खाएंगे और चाय भी पियेंगे इसके बाद, इस समय थोड़ी आता है और मैगी तो खानी, अभी डबल लेन रोड है तो कोई टेंशन नहीं है, अपने तब आके हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, लगता है कि 1 घंटे में कटरा पहुँच जाएंगे,
इसलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया, वरना हम पहुँच गए होते तब के, क्योंकि मनु आज गाड़ी बहुत हल्की चला रहे हैं। नहीं, गाड़ी रियल के चला रहे हैं, रोड कई जगह खराब थी। और सबसे बड़ा इशू रहा हमारे सिम का, हमने सिम लिया था लखनपुर से, लखनपुर से जब हमने सिम लिया तो उसने हमसे कहा कि 2 मिनट में या 5 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा, और हालत ये है कि अभी 4 घंटे होने को आ रहा है, सिम एक्टिवेट नहीं हुआ। इवन हम लोग जम्मू के एयरटेल ऑफिस भी गए, हमने कहा भैया हमारे पैसे खराब हो गया, 350 रुपये का सिम है, 10-20-50 रुपये का होता तो एक बार का सोच लेते कि साहब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब वो 350 रुपये का सिम है, और सबसे बड़ी अभी क्या दिक्कत आ रही है कि अब हम दूसरी गाड़ी से अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो दूसरी गाड़ी है उनके पास जो सिम है उन्होंने ले लिया, जो सिम उन्होंने जियो का लिया और हमने लिया एयरटेल का। एयरटेल का सिम जो है उन्होंने ये कहा था कि 2 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा, और जियो का सिम एक्टिवेट होने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन हम देर से आने बने, हमने एयरटेल का सिम लिया और वो अभी तक नहीं चला। तो अभी जब एयरटेल के ऑफिस में गए थे जम्मू में तो उसने ये कहा कि साहब आप ये 4 घंटे के अंदर चलेगा, तो अभी 3 घंटे हमको हो चुके हैं, अब देखिए 4 घंटे का इंतजार करते हैं, लेकिन 4 घंटे होने से पहले ही हम लोग कटरा पहुँच चुके होंगे, तो उस सिम का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा कोई कटरा में बहुत देर रुकने का प्लान है नहीं, हम आज और कल ही कटरा में हैं, तो 2 दिन के लिए हम लोग जो सिम लिया था उसका पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। फिलहाल देखते हैं, अगर 4 घंटे बाद भी एक्टिवेट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो कल लखनपुर में जाकर उससे झगड़ा करेंगे, अपने पैसे वापस मांगेंगे, बोले जाए सिर्फ टप्पल हो जाए। और ये हमने कटरा में एंट्री कर ली है, कटरा में आ गए हैं, खूबसूरत नजारे यहाँ से, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मियों का पहला अनुभव। हमेशा हम लोग सर्दियों में आते रहे हैं, इस बार गर्मी की छुट्टियों में प्लानिंग करी है, अच्छी खासी है, बट मस्त गर्मी वैसा वाला मौसम नहीं है यहाँ पर, मौसम अच्छा है, मौसम धूप होने के बाद भी। कैसी मिलती है, अब हमें आगे जाकर हम सुन रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत रश होगा इस समय, तो देखते हैं कि कैसी भीड़ मिलती है आगे। हालांकि गाड़ियाँ काफ़ी हैं आगे पीछे हमारे, चलिए देखते हैं, हम सफ़र शुरू करेंगे जब यात्रा का, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी हम रखते हैं और अपना होटल ढूंढते हैं, तब तो